वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सुदिन की शुरुआत हो चुकी है जैसा कि, और आज है सैटरडे। सैटरडे स्पेशल, जैसा कि स्पेशल होता है कपड़े धोने की, क्योंकि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, स्पेशल ये है। और बाकी आज का दिन बताऊँ, लविश ट्यूशन जा चुका है, जैसिका नहा रही है, जैसिका जाएगी 12 बजे, और लविश आज 10 बजे पता नहीं क्यों बुलाया, वरना 11 बजे जाता था। तो बेचारा नहा धो के गया, लेकिन अपने आप ही नहा लिया। और मैं तो जल्दी उठी गई थी, तो सारा काम कर लिया, चाय नाश्ता भी हो चुका है, वो अपना जिम गए हैं, और मैंने आटा मांड के रख दिया है और सर रायता रखा है। बाकी कुछ बनवाएंगे तो देखेंगे क्या होगा। तो बस आगे, वैसे तो वो लेट ही खाते हैं, 1-2 ही बज जाते हैं उन्हें, जिम से आएंगे 12 बजे, इतना टाइम लगा देते हैं। तो चलिए बच्चों के साथ मिलेंगे, आज के दिन की दिनचर्या देखते हैं कैसे कैसे बीतती है, क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर। और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, खाना पीना सब तो हो गया है, बर्तन पड़े हैं वो जैसिका करेगी अब साफ। चाय वाय के चाय बनाई थी, नीचे भी कोई आया था, मैंने भी पी ली। मैं सो के उठी हूँ, देख सकते हो मेरी आँखें, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही सो जाती हूँ मैं। और चलते हैं ऊपर, मौसम अच्छा है, अब देखते हैं, बीच बीच में मिलते रहेंगे। और पहले सबसे पहले कपड़े धो लेती हूँ। धूप नहीं आ रही। हाँ सही है, चलो धूप आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हवा भी होनी चाहिए। हवा थी, हवा। अच्छा तो चलिए गाइज, मैं जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ, बहुत लेट हो जाऊँगी। सो गाइज, आखिरकार मैं कपड़े धो के आ चुकी हूँ, और मौसम एकदम ख़राब सा हो गया। मैंने आज मतलब कपड़े आधे तो सूख गए, और आधे मुझे मतलब उतारने पड़े, क्योंकि बारिश सी आ गई। फिर मैंने सोचा कि 7 तो बज गए, मैंने कहा अब क्या गिरूँ, कल पता चला सारे दोबारा धुल जाएँ, इसलिए मैंने उतार के रख दिया। अब कर चुकाऊँगी, बाकी आधे सूख गए आधे रह गए, कोई बात नहीं, बारिश से बचे। फिर क्योंकि नीचे से तीसरे फ्लोर से जाओ ऊपर, तो इतने में तो वैसे ही बारिश से गीले हो जाते हैं। और मैं बना रही हूँ अपनी चाय, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है आज, क्योंकि आज इन्होंने मतलब जैसिका के डैडी ने अपनी जो बनाई थी वो इन्हें खिला दिया, और मैं बस चाय पी रही हूँ, मैं कुछ नहीं खा रही आज। चलिए किचन में चलते हैं, केले वगैरह लाए थे और चाय, ओमली चाय। इधर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, बस मेरी तो ज़िंदगी चाय है, चाय ना मिले तो कुछ नहीं है लाइफ में। मंदे पर लगा देती हूँ, अभी बर्तन क्लीन करें। पूरा किचन ऐसा साफ कर दिया था जैसिका ने, और इन्होंने सारा ऐसा गंदा कर दिया। अपने केले लाए हैं, अच्छे हैं, मैंने कहा 6 ही केले आने चाहिए, ज़्यादा आने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और गाइज मैं ना ये वहाँ से रिलायंस फ्रेश से, मतलब रिलायंस फ्रेश से लाई थी मैं ये, देखिए तो इनमें ना पैकेट में वो टेस्ट नहीं है, जो मतलब हम खुले खाते हैं, जो खुले मिलते हैं ना, उनमें अलग ही टेस्ट आता है। और इधर देखिए, ऑलवेज मोबाइल में मिलेगा ये लड़का। हेलो हेलो लविश, हेलो हेलो, हो चुकी है, खड़े तो हो जाओ। हाँ जी, क्या क्या किया आज दिन में? हैं तो आज गए थे लविश के ट्यूशन, लविश के डैडी मैंने भेजे, मैंने कहा आज जाओ मिल के आओ, मैडम बहुत अच्छी हैं लविश की, है ना, अच्छी है ना, बहुत प्यार से रोज़ अच्छे तरीके से समझाती हैं, और लविश के समझ में भी आ जाता है। बिजी, और इधर हमारी जैसिका आई है फेस वॉश करके, और हमारी जैसिका कुछ कहना चाहती है, ट्यूशन गई थी तो किताब कितनी पढ़ी आज? और गाइस ऐसे ही हैं, सुकुना दिखाते हैं, सुकुना, ओ हाँ इन्होंने कल बहुत मतलब उससे लग रहे थे, और मैं तो वो थी ऊपर, मतलब तीनों बाप बेटी आराम से रूम में थे, तीनों बाप बेटी बेटा भी था। हाँ तीनों बाप बेटी और बेटा तीनों हो गए ना, मैं नहीं थी बस, क्योंकि मैं अपना वॉक कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं बाहर तो जाती नहीं, तो मैंने सोचा छत पे ही वॉक करना शुरू करूँ, वरना पेट बढ़ता जाएगा, मुझे टेंशन हो जाती है फिर। मम्मा ये रानी का फोन में लग गया। कोई बात नहीं, तू अपनी दिखा, ठीक है। तो चलिए देखिए जैसिका की पेंटिंग कितनी अच्छी करती है वैसे, लेकिन जो बनाती है मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। तो चलिए गाइस जैसिका सुनिए, इतने मैं मतलब अपनी चाय करके लाती हूँ, इतना आप जैसिका के साथ। तो देखिए मुझे चाय नहीं लेने दे रही, इन्हें कह रही आप ही दिखाओ। सुकुना क्या है? सुकुना तेज बोलिए। सुकुना, अच्छा ये सुकुना बनाया, पता नहीं क्या नटपिल्ला सा है, ये नटपिल्ले से है, ये पता नहीं क्या है, मेरी समझ से बाहर है, मैं नहीं समझ सकती। तो ये कल इनमें लगे हुए थे, और बाकी क्या बनाया? बस इसी में इतना टाइम लगा दिया, इसी में कितना अच्छा। और इनमें ये दोनों में ये खासियत है कि ये दोनों कंपटीशन करते हैं, वो भी बनाता है
सेम और ये जस्सी का भी। हाँ यानी कि हॉलीडे हॉलीडे होमवर्क खत्म कर लो, कहीं चल ऐसी हालत हो रही है अब तो, बस पक गए बाहर नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्यों। मैंने कहा चलो बाहर कहीं तो चलो, बोर हो जाते हैं, सिर पे दर्द हो जाता है, घर में पड़े पड़े घर के काम करो, ये करो वो करो, बस दिमाग में ये चलता रहता है। कलेक्शन आ जाएंगी फिर शूटिंग करनी, सर में दर्द हो रहा है। फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ गाइस, चलिए आप ही मिलते हैं। इतने जस्सिका से बात करिए आप गाइस, क्योंकि माँ ने ढंग से नहीं दिखाई, क्योंकि मामा को इंटरेस्ट नहीं है, और भाई ने भी बनाई थी लेकिन उसकी एकदम ऐसी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये है मेरी सुकुना की ड्राइंग, तो मुझे कमेंट्स में बताना कैसी लगी। इतादोरी। तो ये एक एनिमी जुजुत्सु कैसिन का कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर भी कह सकते हैं। वैसे तो मुझे गोजो ठीक लगता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इतादोरी बढ़िया लगता है। सुकुना सुकुना, तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा। और ये हमेशा फ़ोन में ही रहेगा, फ़ोन दे, अभी मैं इसके चांटा मारूंगा तभी सुनेगा। उधर चाय रखी है, होंगे मुझे नहीं पता। सो गाइस मैं चाय तो छान के ला चुकी हूँ, बस सर में दर्द हो रहा मेरे, यहाँ पेन हो रहा मेरे, दो तीन दिन से हो ही रहा था। मैं रोज़ गोली खा रही हूँ और रोज़ सर में दर्द हो रहा, फिर भी मतलब कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, पता नहीं क्यों, ये रीज़न नहीं पता चल रहा है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, चाय तो रीज़न नहीं है, हो सकता है चाय हो। तो चलिए जैसा कि देखिए मेरी चाय, आज मेरी चाय के साथ कुछ भी नहीं ला के दे रहा कोई भी। हाँ क्या कह रहे हो, फोन नहीं दे रहा, दुकान बंद, लविश फोन दो, ये एक बिल्कुल बैठा तो बिल्कुल नहीं जाता इससे, फोन दे। देखो पेट दिखा रहा अपना, सेम सेम हो रही है, पेट भी तो फुटबॉल जैसा हो रखा है। इनके डैडी चले गए बाहर घूमने, और ये मेरे को परेशान करते हैं दोनों। फिर तो यहाँ मम्मा क्या कर रहे हो आप, चुपके चुपके नमकीन राजमा फुलो रही हूँ सुबह के लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई हेट, कल संडे है, मैंने सोचा राजमा, मुझे नहीं पसंद क्योंकि सब्जी मैं बोर हो गई, मुझे नहीं पसंद। घी के रायते तो सही है राजमा, ये तो सोचो। और इस लड़के को इसे परेशान करके रखा, माइनक्राफ्ट के चक्कर में हमारा दिमाग खराब करके रखता है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट राजमा, छोले, आई हेट एवरीथिंग। खाना ही क्यों खाते हो, खाता ही नहीं मैं तो, ओए जबरदस्ती देख लो मामा कूड़ा फेंक रहा है नीचे और फिर से खाने लग गया। अच्छा तो कह लिया ना दिन, मेरा पेट नहीं, पेट नहीं है, ब्लैक होल है, ब्लैक होल पेट। मैं थोड़ा सा मतलब गर्म गुनगुने पानी में फ्लो रही हूँ क्योंकि नीचे के ना फूलते नहीं है, रह जाता है। उससे जाके पूछ क्यों नहीं फूलता, जैसे तू फूल रहा है। मैं मार दूंगा, ये तो सही कह रही है, कंडीशनर यूज करती है बहुत महंगे महंगे, मैं तो यूज भी नहीं करती इसलिए तो ज्यादा यूज करती है, और फिर उन्हीं बालों को कटवा देती हूँ। मैं तो हर दिन नहीं लगाता, मैंने इनका स्पेस देखते हुए इनका बर्तन चेंज कर दिया। अगर इंसान को स्पेस चाहिए हो तो क्या हो, अगर इंसान तो जैसा कि गाइस सैटरडे हो चुका है, मतलब आज ख़त्म और कल है संडे, तो मैंने आज ही अपना काम ख़त्म कर लिया और कल रहूँगी मैं फ्री, तो कल कुछ काम नहीं, काम क्या परहेज है, परहेज कर लेंगे कभी भी कर लेंगे, वो तो मतलब कपड़े धोने का ज़्यादा टेंशन रहती है, और बाकी सफाई वगैरह तो मैंने अभी करी थी दो तीन दिन पहले, तो इसलिए थोड़ा डिले कर देती हूँ। सर में दर्द दो तीन दिन से हो रहा है ना इसलिए, और मैंने सुबह के लिए तैयारी कर दी है, राजमा फ्लो दिया है, तो कल बनेगा हमारे राजमा जो कि उन्हें बहुत पसंद है, हमें नहीं पसंद बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसमें पनीर ऐड करती हूँ, इसलिए
कि बच्चे खा ले, वरना वो भी नहीं खाएंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ यही थी आज की दिनचर्या। मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, और शेयर और कमेंट्स भी कर सकते हो अगर आपका दिल चेक करे तो। सो मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लोगों देखिए बाहर ग्रिल पर खड़े होकर पता नहीं क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे। तो मैं फोटो की दो